मोदी जी, जैसा कि संसद में कल राज्यसभा में बिल पास हुआ था 3 तलाक के ऊपर, तो एक कानून बना दिया गया है कि अब 3 तलाक नहीं होगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? मेरी समझ से तो ये बाहर है। एक बात बता, जब 3 तलाक ही नहीं होगा और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा और वो 3 साल की सजा काटेगा और उसके बाद में उसके बच्चों का क्या होगा, और वो सजा काटने के बाद में क्या उस पत्नी को अपनाएगा? मेरे दिमाग में तो ये बात समझ में बैठती नहीं, मेरी समझ से तो बाहर है और ये गलत और जुल्म सा लग रहा है मुझे। भाई ये जब मसला जो आदमी का मजहब का मसला है, ये हिंदुस्तान में किसी भी बिरादरी का किसी भी मजहब का मामला अलग है, ये तो आज़ाद है, फिर इसको क्यों अंग्रेजों वाली गुलामी में फंसा रहे हैं मजहब को? ये मजहब में तो इनको इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। मैं बीजेपी सरकार से यही कहना चाहता हूँ, ये लाख कोशिश कर ले मुस्लिम की शरीयत को मिटाने की और ये लाख बिल बना ले 3 तलाक के ऊपर, लेकिन हम शरीयत को मानने वाले हैं और मानने वाले रहेंगे। ये कोई भी बिल बनाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इस देश के कानून का पालन करते हैं, लेकिन जो कानून हमारी शरीयत के खिलाफ बनेगा हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और हम उसी पे आमादा हैं अपनी शरीयत के अमाल के ऊपर। शरीयत का मानेंगे हम, सरकार प्रकार करना मन चाहिए कुछ भी कहे, जहाँ शरीयत कह रही वहाँ चलेंगे। उसमें कानून बनाया गया, अगर आप लोगों ने 3 तलाक दिया तो 3 तलाक भी नहीं रहेगा, जेल में जाओगे? ना जी, हम शरीयत पर रहेंगे, चाहे कुछ भी बनावे आप, हम शरीयत पर रहेंगे। हम मानेंगे शरीयत का जी, कुरान का फैसला मानेंगे हम। अच्छा, अगर जैसा कि उन्होंने कानून बनाया कि भाई मर्द को 3 साल की कैद होगी, 3 तलाक देने पर तलाक भी नहीं माना जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? हम तो यही सोचते हैं कि कुरान का फैसला मानेंगे हम, और कुछ किसी चीज़ को नहीं मानते। क्या कुरान, जहाँ हमारे कुरान करिए हम उसको मानेंगे भाई। हम तो अपने कुरान हदीस का फैसला भी यहाँ मानेंगे जी, हम तो सरकार कानून ना माने, हम तो अपने मानेंगे जो हमारे हदीस में लिया है। गाड़ी है कि पत्रकार? ठीक है, आराम से बोलो। ठीक भाई, तो एक बात, हम शरीयत के खिलाफ है ये हमारे। अच्छा, ये गलत है। तो सरकार कह रही है कि 3 तलाक में कमी आएगी, कैसे? नहीं, कमी तो देखो, कमी तो चलो आ जाएगी, कोई बात नहीं है, कमी तो आ जाएगी, लेकिन कमी के इतनी भी ऊना है। अभी जो 3 तलाक हर जगह ही हो रही है, हर जगह 3 तलाक नहीं हो रही है, ये तो कोई कोई चांस ऐसा आते हैं जो हो जाता है बात, पर गलती इंसान से ही होती है, ये बात नहीं है। अब जो ये 3 तलाक के बारे में जो बात चल रही है तो ये गलत है, ये तो औरत के हिसाब में ज़्यादा वो आ गई, औरत तो फिर हर इंसान को छोड़ के चली जाएगी, वो उसकी तो मर्जी चल जाएगी। बाकी जैसा कि 3 तलाक हो जाता है और औरत ये आरोप लगाते हैं कि मर्द जेल में जाएगा, अगर आरोप साबित हो जाते हैं 3 साल उसको सजा भी होगी, उसके बाद वो घर आता है 3 साल सजा काटने के बाद और उसकी औरत को तलाक भी नहीं माना गया है, तो फिर इसके बारे में क्या रहेगा? नहीं, 3 तलाक तो जब हो गई तो वो तो हो गई, तो सरकार तो कहेगी नहीं हुई? नहीं, सरकार का कहना ऐसे नहीं हो गई, ये बात जो हो गई तलाक वो तो एक बार होती है, वो दोबारा नहीं, उसका तो फिर हलाला ही किया जाता है। शरीयत के हिसाब से है तो हम उसको मानते हैं, शरीयत के खिलाफ है तो हम उसको नहीं मानते। शरीयत में क्या है? शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है कि 3 तलाक होता है तो हम उसको मानते हैं, 3 तलाक दी जाती है तो बिल्कुल काबिल है कि 3 तलाक लग चुकी हैं, लेकिन ये नहीं है कि औरत की तलाक पे मर्द को छोड़ा जाए। अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा कि 3 तलाक का अगर पति के खिलाफ आरोप लगता है तो उसको 3 तलाक भी नहीं माना जाएगा, फिर उसमें सजा का भी प्रावधान 3 साल का, इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसके बारे में ये कि हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम हदीस के खिलाफ है उसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो अगर कानून, एक तरफ कानून है एक तरफ हदीस है, तो आप क्या करते हैं? हम जी हदीस को